किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं विशाल एग्रीकल्चर वर्कर्स समाणा पंजाब में। और दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं विशाल 408 हार्वेस्टर कंबाइन। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों नई आ रही मशीनों की जानकारी सबसे पहले विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, आपने हार्वेस्टर की वीडियो तो बहुत देखी होंगी, मगर आज मैं आपको विशाल की टेक्निकली बातें बताना चाहता हूं, जो दोस्तों आपको किसी और हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेंगी। आपको विशाल 408 की टेक्निकल बातें बताना चाहता हूं, इसमें क्या खास है। और दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, मतलब सर हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले जानकारी दीजिए इनके कटर के बारे में, इसमें क्या खास है सर? कटर का डिजाइन हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि बिल्कुल विशी हुई ग्राउंड को जो फसल टच रहती है उसको उठाने के लिए कभी प्रॉब्लम ना आए, नीचे से जो उठा सके आराम से। और जो जितना भी है, गेहूं है, धान है, सोयाबीन है, कोई भी फसल है, ग्राउंड से उठा सके और भूसे का तब्बा बनाना शुरू ना करे। वरना क्या होता है कि भूसा इकट्ठा होकर फीडर को चोक कर देता है, फ्रंट उगर को चोक कर देता है और थ्रेशर को भी चोक कर देता है। ऐसी कोई दिक्कत ना है, रेगुलर पतला माल थ्रेशर के पास जाए। जब रेगुलर पतला माल थ्रेशर के पास जाता है तो उसकी वजह से ना तो कोई चीज़ चोक होती है, ना पीछे कोई दाना आता है, ना ही दाना टूटता है। और सर, इसके फीडर के बारे में जानकारी देंगे सर? फीडर की थोड़ी इसकी हमने लंबाई ज़्यादा की हुई है और गियर का डाया बढ़ाया हुआ है कि थ्रेशर के पास भी जो गैप रह जाता है वो भी गैप ना रहे, रेगुलर पतला माल थ्रेशर को मिलता रहे। और सर, इसमें चेक मिलने वाले हैं जी, कितने एमएम के दिए गए हैं? चेक जो जैक हैं हमारे 45 mm के हैं, फीडर जैक। और सर, इसके सीडी की जानकारी देंगे? सीडी जो एडजस्टेबल है, ओपन हो जाती है, ये नहीं कि पूरी की पूरी उठानी पड़ेगी, आराम से इसको उठाकर। अगर इसको सर नीचे करना हो तो? नीचे करने के लिए ऊपर बंदा खड़ा है, वो लॉक को दबाएगा और नीचे आ जाएगी ये। सर, इसमें जो फैन लगा हुआ है, इसको इसके बारे में जानकारी देंगे? इसमें वर्म बॉडी में भी हमने काफी कुछ चेंज किया हुआ है, क्योंकि वर्म बॉडी की साइड वाले जो पल्ले हैं वो भी हैवी किए हुए हैं कि कभी भी इनमें क्रैकिंग ना आए। और कभी गीले में चलते हुए ग्राउंड में, फील्ड में कोई पत्थर टच हो जाता है ब्लोअर के साथ, तो ब्लोअर को रिपेयर करने के लिए पूरे का पूरा ब्लोअर ओपन हो जाता है आगे को। ये नहीं है कि पहले पीछे से सी बॉक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाकर सिंगल सिंगल पंखा खोलकर रिपेयर करना पड़ेगा, पूरे का पूरा कंप्लीट बाहर निकाल कर रिपेयर कर सकते हैं। सर, इसके बजाय कर देंगे? हाँ, ये हमने दोनों साइड घोड़ी दे दी कि इसको पूरी की पूरी मशीन को उठा के खड़ी कर सके, टायर नीचे ग्राउंड से टच नहीं होंगे और ख़राब नहीं होंगे। सर, मैं और मशीन में देखता हूँ, ये पत्ती दी गई होती है? हाँ, इसमें जॉइंट हमने जोड़ ख़त्म कर दिया, क्योंकि जोड़ की वजह से थोड़ा बोल्ट लूज हो जाते हैं, तो बोल्ट लूज हो जाने की वजह से बेड शाफ्ट भी टूट जाती है और केम शाफ्ट भी टूट जाती है। ऐसी कोई शिकायत कभी नहीं आएगी। और सर, पीछे टायरों के बारे में कर देंगे? किसान भाई को कौन से टायर मिलने वाले हैं? पीछे वाले टायर है 916 के हैं, BKT के, BKT के सभी टायर, 6 के 6 टायर BKT कंपनी के हैं। और इसके हिस्से के बारे में जानकारी चाहिए सर? हिस्सा जो है वो हैवी लगाया हुआ है और इसकी कटाई वाले जो चेक सिस्टम दिया हुआ है वो प्लेटें लगाई हुई हैं, ये कभी टूटेंगी नहीं, वरना इनमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ जाती है। ये जब लेलैंड की लगी होती है तो वो टूटने का शिकायत उसमें रहता है, कभी बोल्ट तोड़ दिया, कभी कूनी टूट गई। और सर, इसके स्टाफ वॉकरों के बारे में? स्टाफ वॉकरों में भी हमने काफ़ी अंतर डाला हुआ है, गैप कम किया है कि ऊपर से डस्ट नीचे ना आ जाए, क्योंकि गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ, मूंग हुआ और सरसों का ऊपर से कचरा स्टाफ वॉकरों से सी बॉक्स के ऊपर ज़्यादा आ जाता है, तो जब सी बॉक्स ऊबर हो जाता है तो सी बॉक्स से कई मशीनों में दाना शुरू हो जाता है। हमारी मशीन में ऐसी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने स्टाफ वॉकर का डिज़ाइन ही उसी हिसाब से बना दिया। और सर, इसके डीजल टैंक के बारे में जानकारी देंगे सर? डीजल टैंक तकरीबन 300 लीटर का है ये। और सर, इसमें लाइट भी, ये अपने इसके बारे में जानकारी दीजिए लाइट के। सभी लाइटों में जितने इंडिकेटर लगाए हुए हैं सभी के ऊपर कवर लगाया हुआ है कि कहीं कोई टच हो को टूटने का खतरा ना रहे। सर, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और में ये पत्ती बहुत पतली दी गई है, आपने ये कौन सी पत्ती लगाई है और इसका क्या बेनिफिट रहता है? एलिवेटर जो है इसका नीचे वाला जो हेड है वो 3 mm का है, जो वर्म बॉडी के साथ अटैच होता है, और जो ऊपर वाला शाफ्ट वाला हेड होता है ऊपर है, यहाँ से देखेगा वो, ये 4 mm का है और ये कभी वाइब्रेशन ना करे और ये घिसे ना, इसीलिए हमने हैवी किया हुआ है। कभी भी कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको आराम से शाफ्ट को बाहर निकाल के रिपेयर कर सकते हैं, एलिवेटर उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और सर जो आगे इसमें टायर दिए गए हैं इसके वजह कर देंगे, जो टायर दिए हैं वो 18-4-30 के हैं, VKT कंपनी के टायर हैं वो भी, और इसकी डिस्क ब्रेक जो भी है वो कभी भी कहीं से लूज नहीं होगी, प्रॉपर बच्चा भी इसको चलाएगा तो ब्रेक और क्लच का दोनों का काम ढंग से कर सकता है। और सर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका जो बेड है ये काफी बड़ा दिया गया है। हाँ, बेड थोड़ा हमने इसलिए आगे कर दिया, कभी क्या हो जाता है कि फीडर का जो पटा है थोड़ा इधर उधर हो गया तो दाना आगे से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जब नीचे दाना गिरता है वो पीछे जाकर आदमी शो होता है कि दाना गिरा रही है गाड़ी, अगर इसका यहाँ से कभी भी कोई दाना नीचे गिरा तो बेड में ही जाएगा, नीचे ग्राउंड पे नहीं जाएगा, कभी भी गाड़ी ये नहीं कि दाना गिरा रही है पीछे से। लो सर हम ऊपर आ गए थे इसके, हाँ पौड़ी जब हमने ऊपर उठाई हुई थी उसको नीचे करने के लिए सिर्फ जो पैडल ही दबाना पड़ेगा तो पौड़ी सीधी हो जाएगी। और सर इसके स्टेयरिंग के बारे में कर देंगे? हाँ, स्टेयरिंग का जो सिस्टम है आदमी के हिसाब से एडजस्टमेंट हो सकती है, आगे भी पीछे भी हो जाता है, और क्लच और जो ब्रेक हैं इसके, इनकी पैडलों की लंबाई थोड़ी एडजस्टेबल की हुई है कि क्लच जो है क्लच फ्री रहे, क्लच बैरिंग टच ना होकर चले प्रेशर ब्लेड के साथ। और सर इसकी सीट के बारे में यहाँ कर देंगे? सीट आगे पीछे भी एडजस्टेबल होती है और अप डाउन भी होती है, जैसे कि किसी की लंबाई ज़्यादा होती है किसी की छोट होती है तो उसको एडजस्टेबल करने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। और इसका क्या काम रहता है सर? ये इंडिकेटर है लेफ्ट राइट का। और इसके टूल के बारे में यहाँ कर देंगे सर? टूल सभी जो हाथ में कंट्रोल में आ जाए आदमी चलाने वाले के वो एडजस्टेबल सही दी हुई है हमने। और सर किसान भाई को इसके साथ मतलब म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा कर देते हैं सर? म्यूजिक सिस्टम लगा कर देंगे, पानी वाला जो कैन है वो भी लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर इसके ऊपर ड्रिलिंग का काम ना करे आसानी से। और कुछ सर मैं ऊपर देख रहा हूँ यहाँ पे टैंकी अपने पूरी कवर की गई है ना, ये इसलिए कवर कर दी कि टैंक बंद रहे, दाना नीचे गिरने की शिकायत ना आए, जब टैंक ऊपर हो जाएगा तो इसमें बत्ती लगी हुई है तो वो बताएगी कि टैंक भर गया तो आदमी ट्राली में दाना डाल देगा तुरंत। और सर इसमें मैं आपका इंजन भी देख रहा हूँ, इसमें कौन सा इंजन है और इसमें इतना गैप क्यों दिया गया है इंजन में? इंजन दोनों साइडों में गैप है, कभी भी कोई काम करना पड़ जाए, वैसे हमारे इंजन को कभी कुछ होता नहीं, पर कुछ करना पड़ जाए तो दोनों साइडों में एडजस्टेबल है कि आदमी आराम से एयर भी निकाल सकता है, ये नहीं है कि टैंक से टाकी को ओपन करके फिर एयर निकालनी पड़ेगी। और सर मैं इसमें ये देख रहा हूँ इसमें ये इंजन का जी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया गया है इसमें। हाँ, इंजन लेलैंड कंपनी के इंजन दो आते हैं 101 हॉर्स पावर में, इंजन बड़ा फ्राई व्हील, इंजन छोटा फ्राई व्हील, हम जो है रेगुलर बड़ा फ्राई व्हील इंजन लगा रहे हैं जो कि डीजल की खपत भी कम करता है, 12 से 15 लीटर डेली डीजल कम खाता है। और दूसरी बात, हमारी जो रेडिएटर की जाली है लोग घुमाने वाली लगाते हैं एयर कूल्ड करते हैं उसको, हमारी ये सिंपल जाली की गारंटी देते हैं कि 85 से ऊपर कभी भी टेम्परेचर नहीं जाएगा, चाहे इसको क्लीन भी मत करना, सफाई भी मत करना इसकी, अगर ऊपर काम करना हो सर ना तो आसानी से उसको ओपन करके काम कर सकते हैं, वैसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ करने की। लो सर हम नीचे आ गए थे, सर अगर आपकी ये मशीन किसान भाई ने लेनी हो तो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? देखिए पंजाब में तो हम डायरेक्ट ही दे सकते हैं, हरियाणा और पंजाब तो हम कंपनी से ही कर रहे हैं, बाकी यूपी में एमपी में बिहार में डीलर भी हैं उनसे भी ले सकते हैं, अगर कोई डायरेक्ट लेना चाहता है तो डायरेक्ट आकर भी ले सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी। अगर हमारे पास कस्टमर जहां आकर गाड़ी का सभी सिस्टम पूछना चाहता है तो आकर हमारे से पूछे, हम बताएँगे टेक्निकल बातें उसको पूरा बताएँगे जो उसके समझ में आएगी, और कभी भी गाड़ी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी। दोस्तों अगर आप भी विशाल 408 हार्वेस्टर का मैं लेना चाहते हैं, लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कंपनी के नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पे संपर्क कर इस हार्वेस्टर को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।